जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। निडाद्रिकंदरा नंदी मंदरा लयबंदितम् वंदे वंदारु मंदारम् इंदिरा मंदिरं मोहो इंदिरा मंदिरं मोहो। परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवंचा कलपतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम। जनंको विष्णु प्रयमणे नमई तहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी। दिव्यात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से पतित पावनंकर चका चका नयन सिंहद्वार पूर्व शोभा को आपण माने दर्शन करुछंती। कौन कहिबा महाप्रभुंकर रीति नीति संप्रीति के कहिबा वचन हे क्षेत्रर महिमा जमन लंघई जार मुकति रसीमा। महाप्रभुंकर आज पुणी पार्श्व परिवर्तन एकादशी या धरे आमे महाप्रसादर महिमा महाप्रभुंकर महाप्रसादर महिमार कथा कौन बा कहिबा कहीं ना जो महाप्रसादर महिमा को एते तथ्य ता भितर रही से महाप्रसादर महिमा जाकु साधारण लोक मध्य बुझी पारंती नाही कहीं ना महाप्रभुंकर से रोष घर अति विचित्र कथा आ रोष घर पुणी महाप्रभुंकर से महाप्रसाद आहा कैवल्य अटय महाप्रभुंकर से महाप्रसाद से कह निर्माल्यम जगदीशस्य नासित्वां सानि किंचनम् इति सत्य प्रतिज्ञेयम् नित्यं तच्छ भक्षेत्। अनेक कथा आपण से महाप्रसाद विषय रे श्रवण मध्य आगुरु करिछंती कहीं ना आज महाप्रसादर महिमा कथा मध्य से भली भावर सहित श्रवण मध्य करिबा महाप्रभुंकर से महाप्रसाद महाप्रसाद कि भली भावरे प्रस्तुत हुए तार महानता आ महाप्रसादर महिमा कौन बा कहिबा। जो महाप्रसाद को प्राप्ति करिबा पाई गौरी देवी ठारे विराजमान करिछंती विमला रूपरे से महाप्रसादर महिमा को आमे साधारण मनुष्य बा कौन कही पारिबा। महाप्रभुंकर महाप्रसाद महान प्रसाद जस्य महाप्रसाद महाप्रभुंकर से महाप्रभुंकर महाप्रसाद जेपरी भावरे महादीप महाप्रभु से भली भावरे महाप्रसाद महाप्रभुंकर महाप्रसादर कथा तो अनेक रही आज्ञा कहा जाइए एकादशी महाप्रसाद खाई पारिबे ना नाही ता मध्य रही विधि विधान ताको निश्चित भाव जानिबा। महाप्रसादर महिमा कथा जिते बड़े आसी थाए समस्ते जानिबा कथा महाप्रभुंकर
जो महाप्रसाद कहीं कि ना ये आजीर कालीर नुहा आज्ञा महाप्रसाद सेवन विधि रही महाप्रसाद स्वतंत्रता मध्य रही जदन्न पाचिका लक्ष्मी भुक्त्वा श्री पुरुषोत्तम तदन्न मुख्यदम दिव्यम भक्षणात पापनाशनम कहा जाए महाप्रसाद माता महालक्ष्मी रांधना करी थांती भोजन करी थांती किए भुक्त्वा स्वयं दनार्दन श्री पुरुषोत्तम से ए महाप्रसाद महिमा या परे मुख धौत समय रे कुलुकुजा मध्य करा जाई पारे नाही ए महाप्रसाद को खाइला परे कदापि मध्य इभली भाव रे व्यवस्था नाही कहीं ना अनेक रहस्य भरा श्रीमंदिर रोषघर विश्वर पूर्व दक्षिण अग्निकोण रे आमर ये भारत वर्ष आ भारत वर्षर अग्निकोण रे आमर ये उत्कल उत्कल अग्निकोण रे महाप्रभुंकर ये श्रीक्षेत्र आज्ञा पुरी पुरीर अग्निकोण रे महाप्रभुंकर मंदिर श्रीमंदिर श्रीमंदिर अग्निकोण रे महाप्रभुंकर रोष घर आज्ञा से रोष घरे प्रस्तुत होइथिबा महाप्रभुंकर वास्तव रे 243 टी चुली सेति मध्यरु चुली कोठ भोग चुली मध्य रहिछि श्रीमंदिर रे विराजित श्री विग्रह मानंकर उद्देश्य रे नाना आदि नैवेद्य भोग लागी करा जाइथाय महाप्रसादर दस गोटी कहा जाए महाप्रभुंकर दस गोटी घर को नहीं रोष घर प्रस्तुत जहाँ को केतेक दस दिगपाल दस अवतार दस महाविद्या ता सहित महाप्रभुंकर ये दसटी घर बा रोष घर प्रस्तुत रोष घर तापमात्रा बहुल भाव रही थी साक्षात माँ दक्षिण काली सेवक मानंकर श्रीअंग को सुरक्षा प्रदान करी थांती सेदिपाई तो रोष घर को जो सेवायत बा महाप्रभुंकर सुपकार सेवक जाई थांती दक्षिण कालींकर सिंदूर छड़ा अन्य कौनसी देवादेवींकर सिंदूर लगाइले तंकु रोष घर को प्रवेश निषेध होई थाय एठारे प्रतिदिन 10,000 रु लक्षे पर्यंत महाप्रसाद लोकंकर पाई महाप्रभुंकर तहा प्रस्तुत हुई महाप्रभुंकर पाखरे भोग लागि थाय प्रत्येक चुलीर 6 गुटी पक्खा बा मुख रहिछि ए चुली समग्र भारत वर्ष रे केउठी नाही आज्ञा एही चुली संपूर्ण वैदिक वेद वैदिक विधान अनुसारे रोषशाला आटी प्रस्तुत अग्निंकर जेपरि भाव रे 6 गोटी सप्त जिह्वा रही द्विशीर्ष से भली भाव रे चुली रे मध्य 6 गोटी कण रही पखा रही 6 गोटी पखा रे प्रत्येक गोटिए गोटिए मुखरे गोटिए गोटिए कुड़ुआ रही थाए एवं से कुड़ुआ उपरे 6 गोटी कुड़ुआ रखा जाई रोसई महाप्रभुंकर पाई रोष करा जाई थाए महाप्रभुंकर रोष घर रे देखा जाउथुबा सर्वसाधारण को मना देखिबा पाई मध्य समस्त को मना आज्ञा कारण आमर उत्कलियर संस्कृति रे महाप्रभुंकर सब बेले आज्ञा बजाई रखा जाई थाए कथारे अच्छी बाहर लोक आम हांडीशाला बा रोष घर को देखिले हांडी मारा हो जाई थाए सही दृष्टि महाप्रभुंकर रोष घर सर्वसाधारण को पाई मना
महाप्रभु को जत्ते बले श्री गुंडीचा घर को जगमन करिथंती सेते बले ए चुली सबू भंगा होई थाए कारण से चुली से गुड़ी को संपूर्ण भाव रे केही केही समस्ते पसी देखिबार सुजोग सेते बले प्राप्ति होई थंती। साठिए पौटी हेउछी केते केते गौड़ी हेले साठिए पौटी होई थाए केते किलो हेले साठिए पौटी होई थाए कहा जाए जे साठिए पौटी हेउछी कुड़िए गौणी कुड़िए गौणी किपरि भावरे कुड़िए गौणी रे गोटिए पट महाप्रभुंकर अन्न व्यंजन जो चुली रे हुए से चुली रे डाली तरकारी प्रस्तुत करा जाए नाही कहीं तापाई स्वतंत्र भाव अलौकिक कथा रही बाह्य तापमात्रा ठारु रोषघर तापमात्रा अधिक रुहे मने कर श्रीक्षेत्र तीस डिग्री तापमात्रा थाए तेबे सही समय रोषघर तापमात्रा किंतु बेसी थी बोली आपण भावुंट ताहा नु आज्ञा प्रायत पंदर रु कोड़े डिग्री तापमात्रार मध्य महाप्रभु कि सेठार सेवक मानक लगी था किंतु तापमात्रा जो देखिए तीस ठारु कोड़े डिग्री आउरी तापमात्रा अधिक ता भीतर लगी थाए अन्य केही जदि प्रवेश करती ना संपूर्ण भाव लगी था किंतु सेवक मानक संपूर्ण भाव जना पड़ न था महाप्रभु को विभिन्न प्रकार नैवेद्य लगी थाए जहाँ विभिन्न प्रकार आज्ञा सबू महाप्रभुंकर महाप्रसादर महिमा तो निश्चित भाव जानवा कहुए महाप्रभुंकर ये महाप्रसाद कौन कौन पर पड़ी थाए कखारु कंचा कदमी पणस मूला पोटल ता सहित कांकण जह्नि सारु कंदमूल अदा धनिया पत्र नड़िया डालमा तरकारी इत्यादि व्यवहार करा जाई थाए कोसला लेउटिया और अगस्ती साग व्यतीत अन्य कौनसी साग महाप्रभुंकर पाख को जाए नाही बिलाती आलू सजना छुई ता सहित लाऊ भेंडी प्याज झुड़ंग कैप्सिकम ये समस्त प्रकार मध्य जाए नाही बीटी गाजर ये सब मध्य मटर जो ता मध्य जाए नाही विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर मसला मध्य प्रस्तुत हुए महाप्रभुंकर कथा जगन्नाथ से नैवेद्यम महापातक नाशनम भक्षणात फलमाप्नोति कपिला कोटिदानजम जगन्नाथंकर नैवेद्य महाप्रसादर महाप्रसाद महापातक नाशन करे लोक एहाकु भक्षण कले कोटि कपिल गायर दान फल प्राप्ति लाभ होई थांती ब्रह्म वैवर्त पुराण रे कहा गला महाप्रसादर महिमा को कौन कहा जाय छी ना क्रयंती सर्व पापानी निश्वंती मुहुर मुहुर हाहा कृत्वा पलायंती जगन्नाथस्य भक्षणात् जगन्नाथंकर प्रसाद सेवन कले सबु पाप कांदी उठी थांती आम भितरे थीबा समस्त पाप क्रंदन करिबा को लागंती बारंबार दीर्घ निश्वास त्याग करंती हाहाकार करी दूर को पलै थांती जो माने बेसी पाप करी थांती से महाप्रसाद को पाइबार योग्य ही पारंती नाही यदि महाप्रसाद प्राप्ति होइगला ताले समस्त प्रकार पाप दूरीभूत हो जाती आज्ञा महाप्रसादर एकादशी रे खाइले कौन रही तार मध्य निश्चित भाव जानवा कहुए कपिल संगीतार वर्णनानुसार श्रीजगन्नाथ महाप्रसाद सेवन कले श्रीजगन्नाथंकर दर्शन भली मुक्ति मिली थाए महाप्रसाद सेवन कले मुक्ति सुनिश्चित बोली ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रमाण रही पद्म पुराण रे महाप्रसादर महिमा दृष्टिगोचर हुई थाए श्रीमंदिर चंडाल
ब्राह्मण एकत्र महाप्रसाद सेवन करिवार विचार कहीं प्रावृते भैरवी चक्रे सर्वे वन्ना द्विजोत्तमा निवृते भैरवी चक्रे सर्वे वन्ना पृथक पृथक सब वर्ण पृथक पृथक हो जाती जिते महाप्रसाद को छाड़ी देले कपिल गायदान सहित समान ये महाप्रसाद महिमा को एकत्र भाव रे कहा जाई कहीं महाप्रभुंकर महाप्रसाद आउ काधरे नाही आज्ञा महाप्रसाद जो महिमा आउ कौनसी भाव रे ता कौनसी स्थान रे मध्य प्राप्ति होई न थाय दर्शन करी देले महाप्रसाद को मध्य पापनासन स्पर्श द्वारा कौन होतुबा अपन माने थरे चिंता करंतु आउ भोजन रे कौन हबा कहगला जे महाप्रसाद यज्ञास्तपासी विप्रेन्द्र व्रतानी विविधानि च तीर्थाटन नैवेद्य नैवेद्यम न कुत्यापि सकृतानि च कहगला जे महाप्रभुंकर महाप्रसाद को नहीं हे विप्रमाने जे मोर अन्न भक्षण करे से समस्त यज्ञ तप व्रत तीर्थाटन ओ पुण्य कर्म मान को करिछि बोली मने करा जाय थाय जे केवल ए महाप्रसाद को केवल कलि भक्षण करि देबा मात्र के शून्य संहिता रे सेई कथा कुआ जाय छि कौन देखि शून्य संगीतारे ताहा वर्णना करा जाई छी महाप्रभुंकर महाप्रसाद कुआ जाई छी जे कौन ना सुनी मुखा भ्यति पीचो काक कुंद्यादि विलास विरक्ता विवर्त्यनाम स्वर्गाम पराजिताम समस्त देवता ब्रह्मतो पुरुषत्तख्यता कुआ जाई छी कुकुरा मुखात कुकुरा मुखरु काई काऊ तुंडरु एवं बिराड़ी मुहरु जो महाप्रसाद खसी पड़े ता सेवन करिबा द्वारा समस्त देवता माने स्वर्गधाम त्याग करी पुरुषोत्तम नामक तीर्थ क्षेत्र रे वास भ्रमण करी थांती कुहा जाय छि जे जेपरि भाव रे मनुष्यर सकल पाप वा दोष महाप्रसाद सेवन मात्र के दूर हो जाए बोली विष्णु पुराण रे वर्णना करा जाय छि विष्णु पुराण रे एक कथा मध्य वर्णना करा जाय छि सेवन मात्र के महाप्रसाद प्राप्ति मात्र रे सेवन करिवा उचित बोली विष्णु ज्यामल ग्रंथ रे वर्णना रही पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ कर जो महाप्रसाद विभिन्न प्रकार अन्न डाली बेसर जहा भोग रही बा महाप्रसाद जदि लोक भक्षण भक्ष अभक्ष विचार करे से निश्चित भाव रे मंद रोगी हुए बोली बहु गवेषक मानकर मत आज्ञा बाछ विचार न करी श्री महाप्रसाद श्री जगन्नाथ महाप्रसाद सेवन कले महाप्रसाद दान करुथवा व्यक्ति मुक्ति लाभ करिबा सहित तंकर पूर्व जन्मर आत्मा को मध्य शांति उमुख्य प्राप्ति होई थाय एको भक्षण करिबा लोक मुक्ति एको दान करिबा लोक मुक्ति यार महाप्रसादर कथा कौन कहिबा आज्ञा कह
ଧାନରୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ସେଇ ଚାଉଳରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଅବଢ଼ା। ଯେଉଁ ଚାଉଳ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷଘରେ ରନ୍ଧାଯାଏ ତାକୁ ଅମଣିଆ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ କେବଳ ଅନ୍ନ କହନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରୋଷଘରକୁ ବାହାରି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଛେକ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭୈରବ ଚକ୍ରରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଠା ବୋଲି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମା' ବିମଳାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦ, ମାଙ୍କୁ ଇଏ ସମର୍ପଣ ହୁଏ। କାହାଙ୍କୁ? ତାହେଲେ ଆଦ୍ୟା ଦେବୀ ପରାତ୍ ପରା ଭଗବତୀ ମାତା କୃପା ସାଗରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦା ୟନୀ ହରବଧୋ ଷଟ୍ ଚକ୍ର ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମାୟା ମୋହମୟୀ ଜନୋ ଦୟାକରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡୋଦ୍ୱରୀ ତ୍ରାହି ମାଂ ବିମଳେ ସଦା ସୁଖକରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଯିଏ କୈବଲ୍ୟ ଲୋଲୁପିନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚରାତ୍ରର ଆଗମ ତନ୍ତ୍ର। ଯେପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ କଥା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦର କଥା ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ, ମହାପ୍ରସାଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରସାଦକୁ କାହିଁକି ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଗଲା, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ମହାପ୍ରସାଦର କଥା ବା ମହାପ୍ରସାଦର ଜ୍ଞାନ। ସେଭଳି ଭାବର ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦିନକର ଘଟଣା, ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବିନା ବାଦ୍ୟ କରି କରି ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ପୁନର୍ବାର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୈଳାସ ଶିଖରେ ରମ୍ୟେ ଗୌରୀ ପୁଚ୍ଛତି ଶଙ୍କର। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ମାତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା, ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ କିଛି ସମୟ ବସି ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେଉଁଠୁ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରସାଦ ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? କହିଲେ, ସେ ତ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି,
जहाँ अवशिष्टांश बंची जाए से केवल महालक्ष्मी ही प्राप्ति होंती, ताले आमुकु किपरि भावरे प्राप्ति हव? आमुकु तो प्राप्ति ही परिवनी ना, महाप्रभुंकर दया हेले निश्चित भावरे प्राप्ति हव। नारद आज्ञा समस्त प्रकार रो कुशली आज्ञा, सेतिपाई तो कह जाइछि भक्ति देवी स्तुति करिछन्ति आज्ञा, जयति जयति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलज्या ध्रुवपदमपि जातो यत्कृपया ध्रुवयं सकलकलुषपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्म कहगला जयति जयति माया जस्य काया धवस्ते। सबु कथारे से कुशली एक कथा को सुनिले चिंता कले कि परिभावरे महाप्रसाद को प्राप्ति हेबी, सेतिपाई कौन करंती ना प्रत्येक समय वैकुंठ को गमन करंती, केते बेले तो प्राप्ति हे जीव, कहीं ना बारंबार बारंबार प्रतिष्ठा परे केते बेले तो प्राप्ति हे जीव महाप्रसाद। से भली भाव दिनकर घटना जमीती एवं मध्यान समय जहाँ घर को जीव से तुमको खाइबा को डाकिबे, आस आस खाइबा आस, निश्चित भाव डाकिबे, आपण न खाई पारंती अलग कथा, किंतु निश्चित भाव आपण यही समय बारटारू गोटे गोटे रु दीटा भितर जहाँ घरे पहुँची जीवे से खाइबार व्यवस्था आपणकर पाई करी था। नारद ठीक देखिले कहले महाप्रसाद पाइबार अच्छे, मुझे यही समय से समय जाण हम पुणी महाप्रभु तो देवे ना, महाप्रभु खाई सारा पर जाकि प्राप्ति हम, ताले कौन करा जीव ना से जेते बले माँ खाइबापी बसी से ही समय मत जीवाक पड़े। नारद को सबु जगह आज्ञा खुलुम खुला, से सबु जगह को प्रवेश करें सबुठी जा पहुँची पारे, से भली भाव सहित जा वैकुंठ पहुँची गले महालक्ष्मी भोजन करू था, महाप्रभु छाड़ी से महाप्रसाद को महाप्रभु भोजन करुछंती महालक्ष्मी। सेते बेले जाई नारायण 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 कही पहुँची गले महालक्ष्मी तो भोजन करुछंती, सेते बेले माँ को स्तुति करिबा पई लागिले किपरि भावरे, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। तापरे एवली भावरे स्तुति करिबा सहित वाक्चातुरी दैवतम आज्ञा, नारद हेउछंती वाक्चातुरी तांकु केही पारी हबो नाही, ता भितरे गोटे स्तुति लास्ट को करिदेले, जा देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संसिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। मते क्षुधा हूँ, क्षुधा को आपण निवारण करिबा पाई माँ को सेतेबेले स्मरण करिदेले, सेतेबेले माँकर पाखरे जेतेबेले हाथ बढ़ई देइछंती माँ मन आज्ञा, समस्त नारी माने आज्ञा कदापि मध्य कई भोकरे रुहंतु से चाहती ना, निजे भोकरे रही जीवे आज्ञा, किंतु कहा को भोकरे रखीबा पाई चेष्टा करती ना। एबेकार नारी मानंकर कथा कौन कहिबा, मु खाइबे नहीं तुम्हें मध्य खाओ ना, चली थिबो झगड़ा दाम्पत्य कलह
ठीक खाद्य समय रे ही तांकु समस्तंकर कथा मने पड़े आ गया। आज ऐसा है नाही काली तेसा नाही तापर दिन ऐसा आणिबो से केवल खाइबा बेले ही मने पड़े आ गया। सेतिपाई नारी मानुंकु कुआ जाइछि कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी शयने सुरंभा भोजने सुमाता। यदि खाइला बेले आपण सेठी स्त्री हेकि बसंतु नाही, यदि बसुचंती मार हेकि बसंतु, मा हेकि बसिले मा रूप को भावना करी बसिले केमिति मोर पुत्र खाइबो भलो से कथा मा चिंता करे। स्त्री तो समस्त प्रकार चिंता करी रहितबा आसिले केमिति कहिबि, सेति पई समस्त प्रकार रो कहि दे थाए। सेवली भावर सहित मध्य मा जेतु महालक्ष्मी खाई बसी छंती स्वतंत्र भावर सहित खाऊ छंती सेते बेले नारद महामुनि पहुंची गले हाथ पतई मागी देले। मांकर मन कदापि पिला मानंकु आज्ञा कदापि बारण करंती नाही, नाही नाही देई परिबि नाही, कदापि मध्य को माँ कहिव नाही नाही देई परिबि। तक्षणात बढ़ई देले हाथरे बढ़ई देले आउ जेते बेले पाई जाई छंती नारद महामुनि नृत्य करी 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 आउ हाथ धोइबा पाई मने नाही, संपूर्ण भावरे आसी पहुंची जाई छंती कैलासपुर रे। देवदेव महादेव पचारु छंती कौन आज आनंदर कथा, कौन कौड़ी कली लगे देकि आसी छ कि एते आनंद कले। नाई नाई आज आपण जो महाप्रसादर महिमा को कहिथिले मुसे महाप्रसादर प्राप्ति हि जाई छी। एतिके सुणु सुणु देवदेव महादेव आसी तंकर स्थान छाड़ी दे नारदंकर पाखरे आसी पहुंची गले। हाथ वासुची मह मह वासना आज्ञा महाप्रसाद आपण खाइबे, हाथ धोईला परे टिके वासनादार सुंगीबे देखिबे बहुत समय पर्यंत से महाप्रसादर वासना आपणकर हाथ रे रही थाए। मह मह वासना हेउची महाप्रसादर वासना, सेतेबेले आउ कौन करिबे ना हाथ को नहीं तंकर मुखा मुखरे संपूर्ण भाव धारण करी देले। देखिले जे आंगुठी रे किछि लागिछि महाप्रसाद, तक्षणात से मध्य कृत्य कृत्य हो गले। प्राप्ति हवा सहित नृत्य करिबा को लागिले किपरि भाव रे नृत्य आपण माने तो समस्ते जानती महाप्रभुंकर जो नृत्य जहाँ को कहा जाता है तांडव बोली कहा जाता है। जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह प्रावित स्थले गले बलम बलम्बिता भुजंग तुंग मालिका। सेवली भावर सहित नृत्य करिबा को लागिले कैलासपुर थरिबा को लागिला। पार्वती देवी भितरे बसिथिले आसी देखुचंती कौन हैला कि मोर पतिदेवंकर कौन हैला एपरि भावरे नाचिबार कारण हस हस मुख मध्य अछि रागी तो नहंती। नारद छिड़ा हेतिले कौन हेछि, नारद ठीक कळीटा को आउ थरे लगेई देले। एउ दुई कळी तो लगे नथिले कळीटी लगेई देले कहिले महाप्रसाद प्राप्ति होइ गेल। नाउ जो महाप्रसादर महिमा को मते कहिथिले निजे पाई देले मते जणे देले नाही। से रागी की कौन कले घोर तपस्या करिबा को आरंभ कले। देवदेव महादेव मध्य एपटे चिंता करुथांती केते बेले देवदेव महादेव चिंता करिबा सहित महाप्रभु केते बेले प्रीत हेबे ए कथा चिंता करुथांती। देवदेव महादेव प्रीत हेबा सहित पार्वती देवी को कौन कले ना तंकर तपस्यार फल प्राप्ति करिबा पाई महाप्रभु आसी पहुंची गले। महाप्रभु जिते पहुंची गले से संपूर्ण भाव रे कहिले कौन मागुचंद ना मत महाप्रसाद मु मत दरकार ये कथा महाप्रसाद निश्चित भाव आपन को प्राप्ति हे।
ଏଥିରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦର କଥା କ'ଣ କହିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରସାଦର ନିୟମ ମହାପ୍ରସାଦର କଥାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି ସାରା ସଂସାରରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ କଥା ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। କିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବୁଝିପାରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣାର କଥା ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ସବୁଠି ପ୍ରସାଦ, ଏଠି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି, ତାକୁ କଦାପି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କେବଳ ପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ବିଧି ତାର ନିୟମ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ କ'ଣ ସେ ବିଧି ନିୟମ, କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନା, ଇଏ ଅନ୍ନ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଁ ସବୁ ଏକାଦଶୀରେ ଆଜ୍ଞା କହିଥାଏ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମାନିଲେ ମାନିବ ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସେ ବ୍ରତ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ନୁହଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲେ, ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପବାସର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନ କରୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, କାରଣ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଗ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମାକୁ କିଏ ବା ଗାନ କରିପାରିବ, ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଏ ବା କହିପାରିବ କହିଲେ।
आमे होचंती साधारण मनुष्य। सेथिपाई कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद के अंश बोली कह जाए छे। सेथिपाई निश्चित भाव रे महाप्रसाद को आपण पाइबा दरकार। महात्म्य रे रखा जाए छे महाप्रसाद महात्म्य। ये कौन किपरी भाव रे महाप्रसाद रे महात्म्य रखा जाए छे कहीं ना महाप्रभुंकर से प्रसाद को कौन सी प्रकार अन्न बोली भाविबा कथा नुह। जदन्न पच्यते लक्ष्मी भुख्यते पुरुषोत्तम। आपण जदि ताकु अन्न बोली भाविदेले ताले मध्य आपणकर पाप जेते एकादशी कले मध्य तार फल प्राप्ति हेबे नाही। गोटे थर अन्न को आपण अन्न बोली भाविदेले मु कहुनी आज्ञा। ये समस्त प्रकार रो शास्त्र प्रमाण दौछि आज्ञा। जो शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्र रो प्रमाण अनुसार जहाँ कहा जाइछि महाप्रभुंकर से भली भावर कथा। तत्व तो अनेक रहिछि किंतु महाप्रसादर तत्व मध्य से भली भावरे स्वतंत्र। कारण सबु किछि प्रसाद बोली कुआ जीवा समय रे एठारे प्रसादर महाप्रसाद बोली कुआ जाइछि। जगन्नाथ अन्नस्य भक्षणात्। ता सहित आयुर्वेद अनुसार मध्य महाप्रभुंकर ये महाप्रसादर कथा मध्य रहिछि। जेपरि भावरे अनेक से प्रसादर महिमा को व्यक्त करिवा पाई जाई महाप्रसादर कथा को आपण माने श्रवण करिछंती। से भली भाव रे कुहा गला जिते प्रकार प्रसाद आपण ग्रहण करिथिबे ता भीतर महाप्रसाद हेउछि स्वतंत्र। आ गुटिए मध्य कथा रहिछि जे कि महाप्रभुंकर ई प्रसाद को महाप्रसाद काहिं कि कुआ जाई थाय। ई कथा तो जानिले किपरि भाव रे कु भक्षण करिवे। कुआ गला जे बिना आसन रे बसी ताकु भक्षण करिबा कथा। कदापि मध्य आसन रे बसी ताकु भक्षण करिबे नाही। ता सहित कौनसी द्रव्यमान मध्य आपण ग्रहण करिबे नाही। एक कथा मध्य रहिछि ता सहित कौनसी द्रव्य आपण ग्रहण करिबे नाही महाप्रसाद रे। आ महाप्रसाद रे ग्रहण कला बेले सदा सर्वदा आपण तले बसिबे। आउ कौन ना कदली पत्र रे किंबा जे कोनोसी पत्र रे आपण ग्रहण करिबे ताहेले तार स्वतंत्रता रहिछि अनेक। सेभली भावर सहित महाप्रसाद राज्ञा एकादशी रे निश्चित भाव रे आपण ग्रहण करि परिबे। इथिरे कोनोसी संदेह नाही। युद्र यामळ गौरी तंत्र ता सहित आपण देखिबे महाप्रभुंकर से महाप्रसाद रा महिमा को जितेबले व्यक्त करा जाइछि। स्कंद पुराण नीलाद्रि महोदय ग्रंथरे ता सहित वामदेव संहिता रे मध्य वर्णना करा जाइछि। ए महाप्रसाद को आपण भोजन करि परिबे। चंद्रायण व्रत करि मध्य महाप्रसाद को भक्षण करि परिबे कहा जाइछि। ये महाप्रसाद को भक्षण करि सल्ला परे आपण कहिबे मु निर्जला उपवास करिछि ता मध्य सत्य आज्ञा। अनेक कथा रहिछि महाप्रसाद को नहीं ताकु आमे बा कौन व्यक्त करि परिबा ताहर महात्म्य आमे बा कौन कहि परिबा। गोटे कथा मने पड़े आज्ञा महाप्रभुंकर महाप्रसाद को प्राप्ति करिबा पाई इंद्र देवता सदा बेले आसंती।
विभीषण मध्य आसी थाए महाप्रभुंकर से महाप्रसाद को प्राप्ति करिबा पाई समस्त देवता माने मध्य आसी थांती से महाप्रसाद को प्राप्ति करिबा पाई एकादशी रे मध्य समस्त देवादेवींकर पाखरे मध्य महादेवी माने जो अछंती आया तंको मध्य अर्पण करा जाई थाए इडारे श्रीक्षेत्र रे जो माने मध्य बसवास करती महाप्रभुंकर सेवा करती से मध्य वैष्णवीय परंपरारे दीक्षित कंठरे तुलसी माली एकादशी ता सहित षड़ जयंती मध्य पालन करी थांती से मध्य महाप्रभुंकर महाप्रसाद को छाड़ी देले आउ किछि ग्रहण करती नाही आकंठ भोजन करी थांती महाप्रसाद आकंठ भोजन करी कही थांती आमे किछि प्राप्ति हेनु ता मध्य सत्य होई थाए कहीं महाप्रभुंकर महाप्रसाद को जेपरी भाव रे जल आउ गंगा जल भितर तफात आपण किछि जानी परिबे नाही से भली भाव रे सहित महाप्रसाद र कथा को मध्य आपण से भली भाव रे बुझी परिबे नाही गोटिए कथा आसीथाय महाप्रभुंकर महाप्रसाद को आपण कहा सहित मध्य तुलना करि परिबे नाही निर्माल्यम जगदीशस्य नासित्वा सान किंचनम इति सत्य प्रदेगेयम नित्यम तच्छ वख्यत सिद्धिपाई महाप्रसाद को आपण निश्चित भाव रे ग्रहण करिबा कथा आज श्री मंदिर रे पार्श्व परिवर्तन बड़ एकादशी आज रात्रि रे ओला बेढ़ारु देखि परिबे महाप्रभुंकर से महादीपर अपूर्व दर्शन केवल जय जगन्नाथ टीवी टेलीविजन माध्यम रे आसंता काली मध्य महाप्रभुंकर बामन जन्म छलयसी विक्रमणे बलिमत भूत वामनम पद नख नीरज नीत जनित पद पावन केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरि से बामनंकर मध्य काली मध्य रही इंद्रध्वज पूजा रही सहित श्रवणा मकर नक्षत्र मध्य काली रही निश्चित भाव रे बामनंकर जेतु द्वादशी तिथि जन्म तंकर सेतिपाई अनेक भक्त वृंद माने मध्य पालन करी थंती बामन जन्म कहीं ना षड़ जयंती चबिश एकादशी ता भितर बामन जन्म मध्य षड़ जयंती रे जाई थाए सेतिपाई मध्य पालन करी थंती निश्चित भाव रे बामनंकर कथा जते बळे आसिला तंकर वर्णना अपूर्व भाव रे करा जाई छि आज्ञा काली की आज्ञा आसीबे बामन रूप रे महाप्रभुंकर आहा क्वा जाई छि कण लावण्यंगुष्टमात्रम जगतवस तिलकम पुस्तकम वर्णवाला स्कंदे यज्ञोपवीतम त्रिशसदुतिधरम तत्परम चोतरीयम धत्वा छत्रम चवामे कुशदय वटुकम ताम्रपात्रम च दक्षे इत्येव पंचभृत्या बलिसदन गतो पाठयेत् सामवेदः किपरि भाव रे महाप्रभुंकर वर्णना कहगला बामन जेते बेले बलिद्वार को तीन पाद भूमि मागिबा को जाईथिले तंकर वर्णना ठारे करा जाईछि सेतेबेले बामन ब्राह्मण रूप रे रूप को धारण करी शरीर तांकर लावण्य दिशुथिला अंगुष्टरे मुद्रिका शोभा पाउथिला कपाळरे अत्यंत मनमुग्ध चिता द्वारा सुसज्जित थिले हस्तिरे तालपत्र पुस्तक शोभित पाउथिले इबले भावर रूपर सहित महाप्रभुंकर पाखरे
महाप्रभु मध्य वामन रूप हे आज्ञा वामन रूप को महाप्रभु धारण करिबे सदा सर्वदा आज्ञा जिते रूप महाप्रभु नहीं छंती आज्ञा कहा पाई ना भकत लागी मु साजे नावेश भकत लागी मु सहे बहु क्लेश भकत लागी साजी पराण भकत लागी सिना भगवान महाप्रभु भक्तंकर पाई सब किछि आज्ञा भक्तंकर पाई महाप्रभुंकर ये समस्त प्रकार रो जहा लीला ये सब केवल भक्त वृंदंकर मानंकर पाई कलि से बोली भावरे भक्त वृंद मानंकर आउ गोटी आज मध्य रहिछि आज मध्य पवित्र धारण महाप्रभुंकर पवित्र अर्थात यज्ञ पवित्र धारण हेबे आम श्रीमंदिर दर्शन करुछंती पद्म पावन से चकाचका नयन को देखुचंती से भली भावर सहित जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे आज हेतु एकादशी सेतिपाई एकादशी रो संध्यात्र समय रे निश्चित भाव रे एकादशी रो व्रतर किपरि भावरे करिबा कथा किपरि भावरे नियमत जानिबा एबे आसंतु महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करिबा सहित कार्यसूची को देखिबा ता सहित मधुरात मधुर भजन श्रवण करिबा जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ।